आज के इस थर्मोडायनेमिक के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, सो इंटरनल एनर्जी का जब चेंज होता है तो कौन सा रिलेशन यूज होता है, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. ओके फ्रेंड, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. ओके ओके फ्रेंड, तो आपने इस रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. इसको हमने मैक्सवेल रिलेशन में भी कवर किया था. ठीक है, ये इक्वेशन हमारी इसमें भी यूज होगी. ओके, तो हमें अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू में टी डी एस माइनस पी डी वी. हम इसको ये भी लिख सकते हैं. ओके, इसको भी हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे बिकॉज ये दोनों सेम ही हैं. अब अगर हम यूज करें टी डी एस फर्स्ट इक्वेशन, फ्रेंड्स टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन के बारे में कई बच्चों ने हमसे बोला है, तो हम इसकी वीडियो जल्दी ही बनाएंगे टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन. वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है और मोस्ट ऑफ द बीटेक कोर्सेज में भी इंक्लूड नहीं है, फिर भी हम नॉलेज के लिए इसको आपको ड्राइव करके दिखा देंगे. तो टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन होती है टी डी एस इज इक्वल टू में सी वी डी टी प्लस में टी करली पी अपॉन में करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी. इसको हम ले लेंगे सेकेंड. ओके फ्रेंड, अब अगर हम इस टी डी एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इस टी डी एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी. पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, हम सेकंड को फर्स्ट में पुट करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डी यू. ओके, डी यू इज इक्वल टू में टी डी एस की जगह पे हम ये पुट कर देंगे सी वी डी टी प्लस में टी करली पी अपॉन में करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी माइनस पी डी वी. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फ्रेंड. ओके, तो अब हम इसको आगे करते हैं. ठीक है, ओके फ्रेंड, तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस में टी करली पी अपॉन में करली टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी माइनस में पी डी वी. ये इक्वेशन हमारी बन गई जब टी डी एस की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी. अब हमें पता है कंसिडर जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का. हमको सभी को पता है इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो ही बेसिस पे चेंज होता है, जब या तो वॉल्यूम चेंज हो या तो टेम्परेचर चेंज हो. तो इसको हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू में करली वी अपॉन में सॉरी करली यू अपॉन में करली टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस में करली यू अपॉन में करली वी एट कॉन्स्टेंट टी डी सॉरी डी वी. ओके फ्रेंड, इसको हम फोर्थ इक्वेशन ले लेंगे. ये अगर आपका कोई भी फंक्शन जैसे इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, तो एक बार आप इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के साथ करो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए, एक बार इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन आप वॉल्यूम के साथ करो टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए. इन दोनों का प्लस जो होगा सम जो होगा वो किसके इक्वल आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है. ये एक थ्योरम है मैथमेटिक्स थ्योरम, वही हमने इधर लिख दी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी एक रिलेशन ये आ गया है डी यू के लिए, एक रिलेशन ये आ गया है. तो आप देख रहे हैं कि डी यू के लिए यहाँ पे दो रिलेशन आ गया है, एक रिलेशन ये है और दूसरा रिलेशन ये है. तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. तो हम इसको ले लेंगे इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ. नाउ कंपेयर कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें हमें मिल जाएगा सी वी इज इक्वल टू जो हमारा सी वी है वो किसके इक्वल मिल जाएगा फ्रेंड, हमें करली यू अपॉन में करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके,
ओके एंड देखिए यहाँ पे हमारा जो सी वी है वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, और जो हमारा यहाँ पे टी करली पी करली टी वी वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो टी करली पी अपॉन में करली टी कांस्टेंट वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, करली यू अपॉन में करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके इक्वल आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ने जनरल गैस के लिए तो निकाल दिया डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी करली पी अपॉन में करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी माइनस में पी डी वी। ये है सभी गैसों के लिए। अगर अब हम बात करें आइडियल गैस की, जैसे हमने बोला भी और हमें पता भी है, हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है कि आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और एम आर टी। ओके, तो हम पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडर गैस इज एन आइडियल गैस। ओके, हमने क्या कंसिडर किया कि गैस जो है वो आइडियल गैस है। ओके फ्रेंड, तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर हमने मोल को 1 मान लिया या मास को 1 किलोग्राम मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। हम इसको लिख सकते हैं पी, टी को मैं इधर लेके आ जाऊं, पी अपॉन में टी इज इक्वल टू में आर अपॉन में वी, ये हम लिख सकते हैं पी अपॉन में टी इज इक्वल टू में आर अपॉन में वी। अब मैं इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, करली पी अपॉन में करली टी। ओके फ्रेंड, करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू में आर अपॉन में वी। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा। अब अगर मैं, हमें पता है आर अपॉन में वी किसके इक्वल है, पी अपॉन टी के भी इक्वल है, तो हम इसके भी इक्वल लिख सकते हैं, करली पी अपॉन में करली टी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू में पी अपॉन में टी। अब मैं ये फ्रेंड बनाने की कोशिश करूंगा, आपको जैसा पता भी है कि अगर मैं इसमें से वी वी कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बच जाएगा, सी वी डी टी प्लस में टी डॉ पी अपॉन में डॉ टी वी माइनस में दिस पी, हमने डी वी क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ओके फ्रेंड, हमने इधर क्या ले लिया है, डी वी को कॉमन ले लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इधर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में से मैं डी वी कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा टी करली पी अपॉन में करली टी और माइनस में पी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने किया है। ओके, तो यहां पे मैं ये वाला पोर्शन बनाने की कोशिश करूंगा, तो अब मैं टी को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डॉपी अपॉन में डॉटी कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इक्वल टू में प्रेशर, प्रेशर को उस तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो फ्रेंड माइनस हो जाएगा प्रेशर, करली पी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रेशर इज इक्वल टू में जीरो। सो हमारी इस पोर्शन की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड, जीरो आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे अगर जीरो रख दें तो हमारी इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी, नाउ इक्वेशन थर्ड बिकम, अब हमारी इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी फ्रेंड, डी यू इज इक्वल टू में सी वी डी टी प्लस में जीरो, ये है फॉर आइडियल गैस। ओके, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू में सी वी डी टी। सी वी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डी स्टैंड्स फॉर, डी टी स्टैंड फॉर चेंज इन टेम्परेचर एंड डी यू स्टैंड फॉर चेंज इन एनर्जी, मीन्स द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू सी वी डी टी फॉर एन आइडियल गैस, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस। ओके, फॉर एन आइडियल गैस। तो फ्रेंड यहां पे हमें क्या चीज क्लियर हो रही है कि अगर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, अगर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और हमने कंसिडर किया कि गैस क्या है, आइडियल गैस है, तो फ्रेंड हमारी जितनी भी एनर्जी होगी, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो, सारी की सारी एनर्जी सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। मीन्स यहाँ पे कोई हीट नहीं बढ़ेगा, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अगर क्या है हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है, ये आइडियल गैस के लिए है और ये जनरल गैस के लिए है। आई होप आपका ये टॉपिक आपके सिलेबस में से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।